दादी बहुत तेज हैं, और जो है तुम्हारी तो है नहीं, बुड्ढे की इंसल्ट करवाते रहे हैं ये और लोग। मोटू को बिल्कुल पसंद नहीं है। समय भी वो कॉलिंग पर ही थी, बैठने का तरीका भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज जो है मेरा ट्राइपॉड जो है टूट गया, इसलिए मैं हाथ में पकड़ कर आप लोगों के लिए एपिसोड करवा चौथ 2023 बना रही हूँ। तो ये मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैंने पोस्ट पर आप लोगों के साथ शेयर ही कर दिया है, लेकिन अभी ये बहुत ही मस्त होने वाले हैं, बहुत ही कलरफुल होने वाले हैं, हंसी के ठहाके होने वाले हैं हमारे भी एपिसोड्स में। जैसा कि झूठी का कहना है ना कि कलरफुल होने वाले हैं उनके एपिसोड। तो चलिए जी बढ़ते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये धमाकेदार करवा चौथ 2023। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ सबसे पहले तो यही मैं बताना चाहूँगी कि जो जो मैंने बोला था, आप लोगों के साथ शेयर किया था कल के एपिसोड में, वैसे वैसा कुछ ये सब कुछ लेकर गए हैं, है ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचे, कि हम लोग पहले तो ये देखिए, रास्ते में आप इन्होंने शेयर किया कि ये चंपा के घर जा रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता कि व्रत देने जा रहे हैं, व्रत देने जा रहे हैं भैया, सर्गी देने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए, सब लोगों की अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर तो मदर इंडिया पंजाब से, ये तो पंजाब में तो यही कहा जाता है कि सर्गी देने जा रही है सास, है ना, व्रत देने जा रही है। ऐसा नहीं भाई, व्रत तो पहले से ही निर्धारित है भाई, रखना ही रखना है ना। अच्छा मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब डेस्टिनेशन पर आप लोग पहुँच गए थे, जब क्यों नहीं दिखाया, है ना, कि हम डिक्की खोली, उसमें से मिठाई का चाहे एक ही डिब्बा चाहे निकालते, लेकिन आप लोग जब एंट्रेंस पर पहुँचे तो उन्होंने, मतलब कि हमारे यहाँ पर दहलीज में ना तेल जो है थोड़ा थोड़ा डाला जाता है दोनों ओर, है ना, वैसे करके उन्होंने शगुन के समान के साथ आप लोगों को अपने घर के अंदर इनवाइट किया, है ना। ऐसा तो भाई कुछ नहीं दिखाया, है ना, लेकिन सीधा आप उनके वहाँ पर पहुँच गए, और उसके बाद जो है क्या हुआ कि डिक्की ही खोल के दिखाना शुरू कर दिया कि ये सामान हम लेके आए हैं, और लड़की खुद ही निकालेगी उसमें से। भाई कुछ भी मतलब कुछ भी दिखाओगे, सब पर हम लोग मोहर लगा देंगे यस की, कि हाँ जो ये दिखा रहे हैं वो सब सही है, है ना। अब हमें क्या पता, थोड़ा सा सामान उन्होंने अंदर से जो कपड़े अपनी पसंद के लड़की ने ले लिए थे वो भी लाकर डिक्की में ही रख दिए होंगे, है ना, कि ये भी दिखा देना भाई, तुम्हारा एपिसोड ज़्यादा अच्छा जाएगा। अभी यहाँ पर मेरे को ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न जहाँ पर लगी है इनकी ओर से, है ना। चलिए ये लेकर गए सामान, तो कल मैं ये बताना भूल गई थी कि हाँ सोने की चीज़ होती है, लेकिन मैंने ये भी बोला ना कि कच्चे कुंवारे हैं इसलिए, लेकिन ससुराल की ओर से सोने की चीज़ होती है शादी के बाद। लेकिन अभी ये लेके गए हैं, वो भी अंगूठी। अंगूठी कितने की आई होगी, 20-25 हज़ार से तो कम नहीं होगी, 15 की, अगर 2 ग्राम की होगी तो 15 हज़ार तक की होगी, है ना। चलिए ये हो गया। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोग ये देखिए कि वहाँ पर मोटू बिटिया की ड्रेसिंग सेंस, आप लोगों ने गौर फरमाया कि झूठी तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ब्रांड ब्रांड की बातें करती हैं, हमेशा खुद ही वो बन के चली जाती हैं जहाँ भी जाती हैं। अब तो जो है इसके नक्शे कदमों पर तो पुतन परी भी उतर आई है ना। पुतन परी की ड्रेसिंग सेंस भी आप देख लीजिए, उजड़े बालों में ये लोग पहुंची हैं वहाँ पर, है ना, अच्छे से कंगी वंगी भी नहीं की हुई थी, पुत्र ने तो नहीं की हुई थी मैंने देखा, है ना। लेकिन मोटू बिटिया की ड्रेसिंग सेंस को क्या हुआ? मोटू बिटिया का तो भैया पेट से ना वो बटन तक टूटने को आ रखे थे भैया, ऐसी शर्ट जहाँ उसके बचपने की शर्ट पहना के ले गई थी झूठी, जहाँ फिर अपना ही वेट जो है वो रिड्यूस करती रहती है, अपना ही वेट जो है मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट लेती रहती है, अपना ही वेट जो है वो कम करती रहती है। मोटू बिटिया के वेट का क्या हुआ? तोरी खिला खिला के मोटा कर दिया उसको। आप ये देखिए कि जहाज़ की टिकट खर्च करके सिर्फ करवा चौथ के लिए आए। अच्छा यहाँ पर अब मैं ये बताती हूँ कि करवा चौथ दी जा रही थी चंपा को, है ना। चंपा की तेजी देख लें, चंपा का शातिर दिमाग कह लें या फिर सुलझी हुई लड़की कह लें, कि उसको सारे रिचुअल्स पता है, उसको ये भी पता है किससे कितना लेना है किससे नहीं लेना। लेकिन अपने ही ससुराल वालों को भी वो देखो बिल्कुल भी शर्माने वाली नहीं है, वो फटाक से दो बातें मुंह पर ही सुनाने वालों में से है ऐसा मुझे लगता है। उसने क्या बोल दिया? पैसे वापस उसने कर दिए, उसने बोला 500 ही ठीक है। आप मुझे बताएं
कि 500 ठीक है, मतलब 1100 करके ये लोग वापस कर देंगे। मैंने आपको बताया जितना ये लेके आए हैं उसका डबल उनको रिटर्न करना पड़ेगा। ओके जी, और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ पर आप लोग देखें कि पुत्तन और नन्नू की फैमिली, अब पुत्तन सॉरी यहाँ पर चंपा और नन्नू की फैमिली में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? कोई नहीं ना, क्योंकि वो भी रिचुअल्स निभा रहे थे, वो भी ऐसे ही खाना खिलाते थे, ऐसे ही टेबल सजाते थे, ऐसे इनके जाने पर आवभगत करते थे। लेकिन नहीं आती आवभगत करनी तो इनको नहीं आती है। अब दादी ने, अब यहाँ पर चंचल मुँह से निकलता है, यहाँ पर जो है चंपा जो है उसकी दादी जी ने बताया कि कैसे कैसे आप दोगे बच्ची को, गोद भरोगे, मतलब गोद में उसके सामान रखोगे, सरगी दोगे, कैसे कैसे सरगी दी जाती है उन्होंने मदर इंडिया को सिखाई। अब मुझे, मैं बताती हूँ, अब वो भेड़ों को भी बताती हूँ जो कहती थी कि आपका और मदर इंडिया का फेस मिलता है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि दादी जो है वो तो उनकी कहते हैं ना जुड़वा बहन ही लग रही थी, और दादी बहुत तेज हैं, और जहाँ पर चंपा जो है वो दादी पर गई है। दादी तो प्यालियों में भी काम करती रही हैं, प्याली बोलते हैं ना जमीनी जमीन वगैरह जो होती हैं, है ना, तो उनमें भी काम वो कर लेती हैं, वो भी बहुत मजबूत हैं दादी। दादी ऐसी नहीं है, और ये चीज़ उसने बता दिया है। और वो छोटे के यहाँ पर रहती है, जाने की वो चंपा चमेली के घर पर नहीं रहती हैं, मतलब आना जाना होगा लेकिन वो छोटे भाई के यहाँ पर जाने की चंपा के चाचा जी के घर पर रहती हैं। और आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि चंपा के चाची जी भी आई थी और उसके कज़न भी आई हुई थी। अरे भाई, फैमिली यही होती है। और यहाँ पर जो गुलाब सिंह है भाई, उसने तो अपने कज़न वगैरह सबको रुष्ट कर लिया। इनकी फैमिली में यही हम पांच एक सीरियल आता था ना, है ना, तो बस वही चीज़ होगी कि हम पांच। और छठा जो है इनके यहाँ पर चिंटू, वो तो वहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहा था, शायद मे भी हो सकता है चंपा कली के भाइयों ने संभाल रखा हो। लेकिन खातिरदारी उन्होंने भरपूर की, और दिखावे के लिए ये भी दिखा दिया कि चंपा कली को जो है वापस रिटर्न कर दी गई है उसकी रिंग जो उसने जो है गुलाब सिंह को गिफ्ट करी थी। ये हो गई बातें, है ना, कि अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। और चंपा का सूट वाकई में बहुत ही अच्छा था, चंपा बहुत ही प्यारी लग रही थी, और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, गुलाब की भी और चंपा, मतलब गुलाब की क्या, गुलाब सिंह की ही, गुलाब सिंह और चंपा की जोड़ी बहुत ही अच्छी और प्यारी है ना। लेकिन भैया तुम्हारा आउटफिट देख के हम क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे तुम्हारा आउटफिट देख के, पहले तो ये बताओ। कहते ना दिन त्यार, मतलब कि अगे पीछे चंगे दिन त्यारे मंदे, है ना, वही हिसाब तुम्हारा है, है ना। तो ये ड्रेसिंग सेंस जो है तुम्हारी तो है नहीं, आउटफिट देख के हम क्या करेंगे, ड्रेसिंग सेंस तो ये है चंपा की ओर से, है ना। अभी जो आगे आगे चंपा फैमिलीज ने आप लोगों को क्या रिटर्न दिया वो आप दिखाओ तो माने। हमेशा यही कहते रहना हमने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ये कैसे। अभी चंपा की फैमिली की ओर से करवा चौथ के बाद, है ना, दूसरे दिन या सेम डे तो नहीं, खैर दूसरे दिन जब वो ब्याना लेकर मनसते हैं ना, पंजाबी में मनसना कहते हैं कि मनसते हैं सास के लिए, है ना, तो वो जो कुछ भी इन्होंने दिया है वो डबल करके वो लुटाएंगे, लेकिन गोल्ड का कुछ नहीं वो रिटर्न करेंगे, गोल्ड में उसने कुछ नहीं रिटर्न करना होता, है ना। अब वो चीज़ें देखेंगे कि आप लोग क्या वाकई में इतने सच्चे हो कि दिखाते हो कि उनकी ओर से क्या रिटर्न गिफ्ट आपको मिला, है ना। तो ये बातें थी कि चंपा जो है वो एक अच्छी फैमिली से आ रही है, और चंपा बहुत ही सुलझी और समझदार है, चालाक कह लें जो भी कह लें, लेकिन वाकई में ही उसकी दादी जो है वो तेजोमयी हैं, बहुत ही तेज हैं वो, ठीक है, तेज दरार है। उन्होंने ये बात बोल दी कि मैं एपिसोड में देखकर क्या करूँगी भैया, मेरी बेटी का जो पग फेरा होगा, उसके बाद पहला फेरा होगा, दूसरा फेरा होगा, तिरोजा होगा, ना जो भी होगा, महीने के लिए वो आएगी, सावन के महीने में भी वो आएगी, तो मुझे अपनी बेटी को ऐसे देखना है, मुझे ऐसे नहीं देखना। और दादी कितना स्क्रॉल करती है भाई, दादी देखो उसको भी फ़ोन चलाना आता है, एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आता है ना, तो दादी जो है स्मार्टफोन यूज़ करती है, और वो स्मार्ट भी है दादी, है ना। और दादी ने ये चीज़ें जो है इनके दिमाग का पलेखा जो है ना वो दूर कर दिया, कि मुझे ऐसी वैसी मत समझना, वो कौन है तुम्हारी, क्या कहते हैं उसको, हाँ अच्छा अच्छा वो पुत्तन परी, उसको भी मैं देखती हूँ। अरे वो तुम लोग कहाँ जाते हो, तुम्हारे वो जितने भी पहले एपिसोड हैं वो सब मैंने देखे हैं,
ये सब चीजें देखते हुए दादी समझ गई है भैया इनका गुजारा जो है इन्हीं सब चीजों से चलता है, इसलिए इनसे ज्यादा पैसा वैसा ना लिया जाए, वही सही अच्छा है ना। लेकिन अपनी अकेली अकेली बेटी के लिए जो है ये परिवार बहुत कुछ करेगा और बहुत अच्छा भी करेगा। एंगेजमेंट पर भी आप लोगों ने देख लिया, उन्होंने अच्छा ही किया था, लेना देना भी उन्होंने अच्छा ही किया था। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि कंपैरिजन अगर किया जाए ननू फैमिली के साथ, तो ये फैमिलीज जो हैं वो नॉर्मल है, यानी कि ननू फैमिली और ये चंपा कली की फैमिली, ये नॉर्मल फैमिली है ना। तो अब जो है पुत्तन परी को ये दिखाई नहीं पड़ता कि उसकी भी सास ने करवा चौथ पर इतने सब कुछ ले देकर जो है भेजा था मायके में उसको, है ना। तो उस समय जो है पुत्तन परी की फैमिली ने इतना सब तो नहीं किया था। अब जो है चंपा फैमिली की जो फैमिली है, चंपा कली के मायके वाले हैं, वो ससुराल आएंगे तो एक बार फिर से पुत्तन का कंपैरिजन जरूर से किया जाएगा यहाँ पर चंपा के साथ। क्योंकि हमेशा से ही नन्नू की फैमिली में जाकर इन लोगों ने भी ऐसे जो हैं खाने उड़ाए हैं, दावतें उड़ाई हैं, लेकिन उनको कभी इनवाइट नहीं किया। अब क्या चंपा कली की फैमिली को ये इनवाइट करेंगे, है ना। ये सब लोग हम लोग भी देखेंगे, क्योंकि चंपा कली के यहाँ पर भी प्रॉपर खाना पीने का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था, और स्पेशली ये जहाज की टिकट खर्च के आए हैं कि हमारा दामाद आया है, बड़ा दामाद आया है। बड़े दामाद की मोटू की इतनी ज़्यादा वो पूछगिछ है सब जगह पर, क्योंकि उसकी हमेशा से रिस्पेक्ट कराते हैं, इसलिए तो छोटे की इंसल्ट करवाते रहे हैं ये लोग, है ना। लेकिन अभी जो है फिर भी सब लोगों के सामने एक चीज़ आज मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जूठी का हमेशा से कहना है कि उसको केक काटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मोटू को बिल्कुल पसंद नहीं है केक कट करना, है ना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या चंपा को ये चीज़ें नहीं पता थी। मैंने अपने एपिसोड में पहले से ही बता दिया था कि क्या चंपा ने इनवाइट किया कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ प्लान है बर्थडे पर, ठीक है, इसलिए वो आए, है ना। तो चंपा ने केक कट करवाया, तो उस समय सब लोग जब हैप्पी बर्थडे जो है बोल रहे थे, विश कर रहे थे झूठी को, उस समय भी वो कॉलिंग पर ही थी। भैया बिजनेस तो जो है वो एक्चुअली में झूठी का चलता है ना, बाकी तो सारे विल ही हैं, है ना। लेकिन मोटू को एज इट इज ही फिर से बेतरतीब क्या बोलते हैं वैसे ही कपड़ों में देखना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। बैठने का तरीका भी प्रोफेसर साहब आपका, कोई मुझे कहता है मोटू बिटिया मत कहें, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोटू अपने मायके क्यों नहीं गया, ठीक है। वहाँ पर जो झूठी को जाना था अपने लॉस के यहाँ पर, वहाँ पर क्यों नहीं गई। अच्छा जी, ये चीज़ें जो हैं वहाँ पर पुत्तन परी की दादी सास जो है उसको तो बहुत सुना दिया था, है ना। लेकिन अभी जो है ये गुलाब सिंह की दादी सास है, अब ये दादी सास तो बहुत तेज है, ये दादी सास जो है सेट करके रखेगी इन सबको, ठीक है। अब ये कैसे कैसे सेट करेगी और दादी पंजाबी में क्या क्या बोलती हैं वो मैं आपको आने वाले दिनों में हिंदी में ट्रांसलेट करके ज़रूर से बता दिया करूँगी, ठीक है जी। तो मेरे भी बैक टू बैक आप लोगों के साथ एपिसोड अब शेयर होंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ गुलाब सिंह का ही एपिसोड हम लोगों के सामने रिलीज हुआ है। अभी इसके बाद जो है पुत्तन परी का आएगा, फिर आएगा झूठी का। और बताना चाहती हूँ कि पुत्तन परी की भी बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है इस समय नन्नू जीजा के अगेंस्ट, है ना। वो क्या प्लानिंग है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर से करूंगी। तो आप लोग बने रहना मेरे साथ मेरे एपिसोड में। तो जैसे जैसे मेरे एपिसोड आएंगे तो प्लीज़ आप लोग जरूर से देखकर जो है लाइक करा करें और कमेंट जरूर से किया करें। तो ठीक है जी, मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।